गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ दीपाली पटेल। एंजल दी पटेल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बनाएंगे चौली की सब्ज़ी। और चौली की जो सब्ज़ी है ये मैंने सुबह भिगो के रखा था। ये देखिए, ये एक वाटी चौली है, पूरा फूल के ये डबल हो जाता है। तो हम पहले इसको कुकर में निकाल लेते हैं। और ये जो चौली है उसके साथ में मैंने ये तुअर के दाने भी थोड़े से लिए हैं, क्योंकि तुअर के दाने भी मुझे थोड़ा सा उसमें डालना है, क्योंकि ये गांव से लाया था मैंने, तो ये थोड़ा सा ख़राब होने के चांसेस लग रहे हैं। तो ये थोड़ा बच गया था तो मैं इसमें तुअर के दाने में डाल रही हूँ। इससे टेस्ट भी आएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये ऐसे बनाया था। तो हम इसको अभी एक वाटी लिया है चौली, वो फूल के दो वाटी हो गया है, और ये तुअर जो है वो तुअर एक वाटी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दो ग्लास पानी डालेंगे। अब दो ग्लास पानी हमने डाला है और हम इसको चार सीटी लगा के लेते हैं कुकर में। चलिए, चार सीटी के बाद मिलते हैं। जो तुअर और जो हमारा ये चौली है, हमने ये बॉईल करके ले लिया है और अच्छे से एकदम बॉईल हो चुका है। अब हमने कढ़ाई गैस पे रखी है और हम इसमें अब तेल ऐड कर लेते हैं। जितना आपका सब्ज़ी का क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप ये तेल डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। हींग डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा, एकदम एक पिंच। उसके बाद इसमें ऐड करना है आपको जीरा और थोड़ा सा आपको राई, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज और टमाटर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। 1 चम्मच डालना है आपको अदरक लहसुन। अब इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे, ताकि उसका जो कच्चापन है वो पूरा निकल जाए। अब इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे, क्योंकि हमारा प्याज टमाटो और जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, ये हल्दी पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर, उसके बाद ये कोल्हापुरी मसाला, तीखा मसाला थोड़ा सा डालना है 1.5 चम्मच, और हमें इसमें थोड़ी सी डालनी है ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। चलिए हम इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको। अब जो हमने यहाँ पे ये पका के रखा है चौड़ी और तुअर के दाने, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको 10 मिनट हमको पकाना है अच्छे से ढक के। भाजी चेक करते हैं एक बार, ये देखिए। और अब हमें इसमें ऐड करना है जो दाना रहता है शेंग दाने, उसका हमें थोड़ा सा कूट डालना है 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आती है, तो हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और इसको वापस अभी हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। लोग चेक करते हैं सब्जी हुई है क्या नहीं हमारी। देखिए, सब्जी हमारी हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करके लेंगे। थोड़ा सा रस्सा भाजी करना था हमको। अब हम इसमें गार्निशिंग करते हैं। इसमें हमें ऐड करना है ये कड़ी पत्ता और ये धनिया। तो चलिए हम लोग सर्व करके लेते हैं अभी।
देखिए चावली और तुअर की सब्ज़ी हमारी रेडी है। ये आप खा सकते हैं चावल के साथ में, सब्ज़ी के साथ में, रोटी के साथ में, इतनी टेस्टी सब्ज़ी लगती है ये। तो गाइस चलिए मैं अपना लंच जो है वो फिनिश करती हूँ, आप भी बना के खाइए। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।